गाइस स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप वीवो वाई 27 मोबाइल में दोस्तों आप ऐप को हाइड कैसे करेंगे। दोस्तों आपके मोबाइल में कोई भी पर्सनल एप्लीकेशन रहती है वो दोस्तों आपके मोबाइल में फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या मैसेंजर हो या दोस्तों आपका व्हाट्सअप रहता है, कोई भी दोस्तों आपका बैंकिंग एप्लीकेशन रहता है, सारे के सारे लॉक आप छुपा सकते हैं, ऐप बार से हाइड कर सकते हैं। कैसे हाइड करेंगे फुल जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐप को हाइड करने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी, तो आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको फिर से थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ से आप अपने मोबाइल में कोई भी एक प्राइवेसी लॉक सेट कर लेना है। अगर दोस्तों आप ऐप को हाइड करते हैं अगर प्राइवेसी लॉक नहीं डालेंगे तो वो अनहाइड ही रहेंगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहां से एक प्राइवेसी लॉक सेट करना है, कोई भी लॉक सेट करेंगे उसके बाद में आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहां पे ऐप हिडन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहां पे विव हिडन एप्स का ऑप्शन मिल जाता है, उसके सामने टिक आपको इनेबल करना है, यानी कि दोस्तों आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन रहती है उस पर प्राइवेसी लॉक जो रहता है वो दोस्तों वेरीफाई हो जाता है या सेट हो जाता है, तो इससे आप अपने मोबाइल में ऐप को हाइड हुए देख पाएंगे। तो यहां से आप कोई भी एप्लीकेशन हाइड करना है वो एप्लीकेशन के सामने टिक इनेबल कर देना है और यहाँ पे नेवर एवर पे क्लिक करेंगे ओके कर देंगे। यहाँ पे अमेजन एप्लीकेशन है वो मेरा हाइड हो जाता है, और दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पे फेसबुक को भी मैं यहाँ से हाइड कर लेता हूँ, तीन चार एप्लीकेशन को मैं यहाँ से कर लेता हूँ हाइड। और आपको भी हाइड करना है तो इस तरह से हाइड कर सकते हैं, इसके सामने टिक इनेबल कर देंगे और यहाँ से एप्लीकेशन आपकी हाइड हो जाएगी। तो यहाँ से तीन चार एप्लीकेशन को मैंने कर लिया हाइड। अब इसको देखने के लिए चलाने के लिए आप क्या करेंगे, और आपको ऐप बार में तो ये देखने को बिल्कुल मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फेसबुक या मैसेंजर या जो भी एप्लीकेशन मैंने हाइड किया था वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसको देखने के लिए चलाने के लिए आप दो उंगली लेना है, ऊपर की ओर स्वाइप करना है। जैसे ही स्वाइप करते हैं यहाँ पे प्राइवेसी लॉक जो आपने बनाया था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब जैसे दोस्तों वो प्राइवेसी लॉक यहाँ पे डालेंगे दोस्तों, आप जो भी प्राइवेसी लॉक वहाँ पे बनाए थे वो डालेंगे, वैसे ही दोस्तों आपका जो हाइड हुई एप्लीकेशन रहती है वो दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं। अब इनको यहाँ से आप चला सकते हैं और देख भी पाएंगे। तो वीडियो सही जानकारी मिले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।